तो एक बुजुर्ग पार्टिसिपेंट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज एक्चुअली इनफैक्ट दीपेन जी के फादर थे उस वक्त, मैं दीपेन जी को नहीं जानता था। वो लंच ब्रेक में मेरे पास में आए और बोले कि राकेश जी आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ग्रोथ इज द ओनली वे टू हैप्पीनेस। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हैप्पीनेस इज द ओनली वे टू ग्रोथ? अगर आप हैप्पी है तो आपके अंदर ग्रोथ की एक अभिलाषा जगी रहेगी। सो द होल आइडिया बिहाइंड द होल थीम ऑफ ग्रोथ विथ हैप्पीनेस इज ग्रोथ के बिना हैप्पीनेस नहीं और हैप्पीनेस के बिना ग्रोथ नहीं। जब हम बात करते हैं ग्रोथ विथ हैप्पीनेस की, तो ग्रोथ के पांच डायमेंशन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला डायमेंशन, वी सेड ग्रोथ शुड बी रेस्पेक्टेबल, ग्रोथ शुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। समाज में रेस्पेक्ट मिले ऐसा ग्रोथ हो तो ग्रोथ में मजा आए। वी स्पोक अबाउट ग्रोथ शुड बी स्केलेबल। पिछले सप्ताह हमने बात किया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो शायद बड़ी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट एक बहुत अच्छी बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि एक क्लास में एक ही साल बैठने देते हैं। आप पहली कक्षा में 2 साल आपको नहीं बैठने देते, और अगर बैठ गए तो आपको तिरस्कृत किया जाता है पूरे समाज में। पर कहीं ना कहीं पे जितने साल हम पढ़े उतने साल हमने ये नियम का पालन किया कि भैया एक क्लास में एक ही साल बैठना, और समय जैसे बदला तो सेमिस्टर सिस्टम आया कि अभी बोले कि सब एक क्लास में 6 महीने बैठना आपको, थोड़ा और आगे बढ़े तो अभी आजकल ट्राइमेस्टर सिस्टम आया, अभी बोलते हैं कि साहब एक क्लास में 3 ही महीना बैठना आपको, उससे ज्यादा अगर आप बैठे तो आपको फेल्यूर बोलते हैं। पर बिजनेस में आके कहीं ना कहीं हमने ये लेसन को छोड़ दिया। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस इन द वर्ल्ड वो जहां है वही है 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20-20 साल से। साहब टर्नओवर बढ़ा है, टर्नओवर क्यों बढ़ा है? क्योंकि साहब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है। एक रिटेलर बोला साहब 6 लाख का टर्नओवर करता था, आज 18 लाख का करता। मैंने कहा 6 लाख का कब करता था? बोले 7-8 साल पहले करता था। मैंने बोला भैया उस वक्त तुम्हारी तुम्हारा आयोडेक्स का डब्बी 6 रुपए का आता था, आज वो आयोडेक्स का डब्बा 18 रुपए का हो गया है, तो 6 लाख का 18 लाख हुआ, तो उसमें ग्रोथ क्या किया? एक ही कक्षा में 3 महीने से ज्यादा नहीं बैठने का एक नियम, इसी को हम स्केलेबिलिटी बोलते हैं। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, निरंतर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्बिट्स बदलते रहना चाहिए। दूसरा हमने बोला सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज व्हाट? सस्टेनिंग द रेट ऑफ ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी इज सस्टेनिंग द रेट ऑफ ग्रोथ। हमने कहा कि ग्रोथ तो होता ही है किसी इंसान की जिंदगी में और किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी में। खर्चों में, कमाई में ग्रोथ हो या नहीं हो, खर्चों में ग्रोथ जरूर होता है। अभी खर्चों के ग्रोथ का जो रेट है उससे कई गुना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की कमाई का रेट होना चाहिए। तो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं पे सस्टेनेबिलिटी इज सस्टेनिंग द डिफरेंस इन द रेट परसेंटाइल वाइज। ये अगर नहीं होता है तो भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी इज ग्रोथ रेट जो है वो रेट को सस्टेन करना है, राइट? एंड मोस्ट क्रिटिकली प्रॉफिटेबल। नाउ एक गोल मैं चाहता हूं आप यहां से लेके जाएं, हर साल आपके बिजनेस के नेट प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। आपके बिजनेस का, नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, आई एम सेइंग आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट का रेट, कोई 3% नेट प्रॉफिट था तो उसको 4, 4.5, 5 कैसे किया जा सकता है, कोई 5 वाला था तो उसको 7, 7.5, 8 कैसे किया जा सकता है, किसी का 8% का एनपी था तो उसको 9, 10, 11 कैसे किया जाए। फोकस शुड बी ऑन वेरी फ्यू वाइटल ऑब्जेक्ट्स। और मैं ऐसा कहता हूं कि आपको 5 वाइटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको काम करे अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो Your organization is bound to create value. Number 1, your vital, कुछ vital objectives में respectability एक objective है, scalability एक objective है, sustainability एक objective है, profitability एक objective है, and
happiness to all the concerned, all the associated, all the stakeholder who are connected to the organization. इन सबके जीवन में अगर happiness होता है तो उसको हम holistic growth बोलते हैं. इसमें से एक भी parameter अगर नहीं है उसको holistic growth नहीं कहा जा सकता. It is like only shoulder thick हो रहा है, एक shoulder is like, you know, I am doing exercise only on one shoulder and then the body, you know, like walks like this. Person walks like this, imbalance. Balanced growth is when you really grow in all the five dimensions. So, पिछले सप्ताह में हमने respectability की बात की, scalability की बात की, sustainability की बात की और हमने बात की this is what, this is क्या करना चाहिए. Next slides we will talk about how to do it. और जहां तक बात है respectable बनने की, तो सबसे पहला point was very very high ethical standards in the organization. Very very high ethical standards in the organization. क्योंकि जब आपके ethical standards organization के high होते हैं तभी समाज में respect मिलता है, और जब organization समाज में respectable होती है तो ecosystem आपके growth के लिए काम करता है. Second point हमने बात किया था defining and practicing the core values. हमारे नैतिक मूल्यों को define करना और नैतिक मूल्यों को जीना. पिछली बार हमने बहुत सारे examples हम लोगों ने बात किया था इस दिशा में. विजन टू एग्जीक्यूशन में बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने इस दिशा में हमने बात किया. दीज आर सम वेरी वेरी फ्यू थिंग्स, वेरी वेरी फ्यू सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, जिनको अगर प्रैक्टिस किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है. क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा मानता आया हूं, हमेशा से मैं ऐसा एडवोकेट करता आया हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल कंडीशन इज कि जब आपका कस्टमर आपका सेल्स फोर्स का पार्ट बने और आपका एम्प्लॉय जब वॉलंटियर बने. कस्टमर सेल्स फोर्स का पार्ट तभी बनेगा, कस्टमर आपके लिए सेल्स तभी करेगा जब आप उसकी नजरों में रेस्पेक्टेबल हो. रेस्पेक्ट तभी आता है जब हम अपने आप को नैतिक मूल्यों के आधार पर जीते हैं. एक छोटा सा केस स्टडी, वन कंपनी आई एम एक्चुअली वर्किंग राइट नाउ, यू नो आई एम इन द मिडल ऑफ विजन टू एग्जीक्यूशन टुडे, वी आर इन द थर्ड डे. It's a company called Sajan, Sajan Pulse and Rice Mills, based in Daboi. We have three people from the organization today. Basically, एक beautiful practice है वहाँ पे, बहुत बहुत खूबसूरत practice है. They are in the business of buying the crop from the farmers and selling and processing it and selling it to the traders. To the wholesalers, retailers या दूसरे processing mills को वो करते हैं. एक बहुत खूबसूरत सा practice हम कल discuss कर रहे थे, because of which आज वो organization का respect level is at the highest. वो बोलते हैं कि customer हमारे यहाँ से कोई product लेके जाता है, किसी भी कारण से वो बेच नहीं पाया या कुछ और भी हुआ, वो बोले कि कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट वापस लाके दे सकता है. अगर उसके अगेंस्ट में कुछ लेके जाना है तो लेके जाओ, अगर नहीं लेके जाना तो पैसा लेके जाओ वापस, जब जरूरत होगी तो वापस आ पाना, कोई बॉन्डेज नहीं. और एक छोटी सी प्रैक्टिस के कारण, एक छोटी सी प्रैक्टिस के कारण कस्टमर्स हमेशा दौड़ के इनके पास आते हैं कि भैया इन केस अगर कोई भी कारण से अगर प्रॉब्लम प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या मार्केट में कुछ इश्यू है, व्हाटएवर, हमारे पीछे इनका सपोर्ट है, हमारे पीछे इनका सपोर्ट है. फार्मर्स एब्सोल्यूटली डिफाइंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस. जिस दिन आप प्रोडक्ट लेके आते हो कंपलसरी उसी दिन पैसा लेके जाओ. अगर वो रखना चाहे तो उसकी मर्जी है, पर जो आप प्रोडक्ट लेके आओ आपको एक घंटा भी इंतजार नहीं करवाएंगे. और इसकी वजह से फार्मर्स का पहला चॉइस है सेल करने का, क्योंकि कभी भी फार्मर को पैसे के लिए घूमना नहीं पड़े. दीज आर सेट ऑफ कोर वैल्यूज जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन जीरो से चालू करके टुडे दे आर एट अ सब्सटेंशियल हाइट. छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी बातें, बट देन ये छोटी छोटी बातें ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को स्प्रेड करती है. तीसरा हमने बोला डिफाइन द कोर फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डिफाइन द कोर फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एक अपनी मूल विचारधारा हो. पिछले सेशन में हमने बात किया हमारी अपनी खुद की एक मूल विचारधारा हो
और उस विचारधारा से ही लोग जुड़ते हैं, और वो विचारधारा ऐसी हो, अगर इस विचारधारा का बेस अगर हम बोले तो फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, एक विचारधारा है। माई बेस्ट इज येट टू कम, एक विचारधारा है। गो बियॉन्ड पॉसिबल, एक विचारधारा है। तो ये विचारधारा आपके ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को फ्रेम करता है। फॉर एग्जाम्पल आरजीबी में हम चार चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी हैव रीच्ड दैट आवर बेस्ट इज येट टू कम, हमारा दी बेस्ट अभी आना बाकी है। सेकेंड विचारधारा हमारा कि यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट, वॉट एवर इज एग्जिस्टेंट एंड वर्किंग इज ऑन द वे टू गेटिंग एक्सटिंक्ट, जो कुछ भी है और काम कर रहा है वो दुनिया से बाहर होने को है, तो यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट, चलो लेट अस रियली रन फास्ट एंड डिस्कवर समथिंग न्यू। थर्ड, डू इट नाउ, जो करना है लेट अस डू इट नाउ, एंड फोर्थ लेट्स गो बियॉन्ड पॉसिबल। ये चार मूल विचारधाराएं जिससे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हर एक डायमेंशन प्रेरित है, और जो कुछ भी हम करते हैं यही चार विचारधाराओं के साथ, यही चार विचारधाराओं के इर्द गिर्द हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया था पिछले सेशन में से वर्सेस डू गैप। सी होता क्या है, दुखी इंसान क्यों है कि वो इंसान सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ और ही है। इंसान सोचता कुछ है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और ही है। कहीं ना कहीं पे ये चारों के बीच एकता आ जाए, हमारे थॉट में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में और हमारे दिखावे में, ये चारों में एकता आ जाए, और इफ देयर इज अ एब्सोल्युटली पावरफुल अलाइनमेंट बिटवीन से वर्सेस डू। मैंने कहा कि से वर्सेस डू गैप होना चाहिए कि आप 18 बोल के 22 डिलीवर करो ये गैप चलेगा, बट अगर आप 20 बोल के अगर 14 देते हो ये नहीं चलेगा। से वर्सेस डू ऑन द पॉजिटिव साइड इज ऑलवेज रिकमेंडेड, बट से वर्सेस डू ऑन द नेगेटिव साइड इज नेवर रिकमेंडेड। टू रियली बिकम रेस्पेक्टेबल स्टेप नंबर 5 इट इज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। हर इंसान ये सोचे मैं देने के लिए आया हूं, हर इंसान ये सोचे मुझे कुछ अर्पण करना है, हर इंसान ये सोचे कि क्योंकि सृष्टि का नियम ही है गिवन नहीं, पहले बीज डालो, पहले डालो तो आने वाला जो है वो मल्टीप्लाई होके आएगा, और जो डालेंगे वो मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का हर इंसान मुझे क्या मिलता है कि जगह पे मैं क्या दे सकता हूं, अगर इस विचारधारा के साथ में अगर हो तो ऐसा एक कल्चर क्रिएट जाए, यू नो, किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेप नंबर 6, क्रिएट एब्सोल्यूट हार्मोनी विद इन द टीम बाय अलाइनिंग विद द कोर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मकसद क्या ऑर्गेनाइजेशन का, और मकसद शुड ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट बेनिफिटिंग अदर्स। मैं और मेरा अगर मकसद है तो कहीं ना कहीं पे फाइनल रिजल्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिजास्टर। इफ मेकिंग मनी इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर पैसा बनाना ही अगर प्राइमरी पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, तो अगेन अल्टीमेट रिजल्ट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। बट अगर एक ऐसा मकसद है जो पैसे से कई गुना ऊपर है, तो इतना पैसा आएगा जो हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते। और आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉबली, यू नो, लेकिन इनके विजन टू एग्जीक्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, सीईओ डेवलपमेंट में हमने ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन एक मकसद से अलाइंड है वहां पे लोग ऑटोमेटिकली वॉलंटियर्स बन जाते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन एक मकसद से प्रेरित है तो लोग ऑटोमेटिकली, यू नो, वॉलंटियर्स बन जाते हैं। एंड 7वां स्टेप रेस्पेक्टेबल बनने के लिए, डिलीवर मोर देन प्रॉमिस्ड ऑलवेज टू ऑल द की स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। भले ही वो कंपनी के प्रमोटर्स हो, भले ही वो कंपनी के कस्टमर्स हो, भले ही वो कंपनी के सप्लायर्स हो, भले ही वो कंपनी के बैंकर्स हो, लेंडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, एम्प्लॉयज हो, उनके फैमिलीज हो, नियत हमारी जितना प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा देने वाली अगर होगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा। रेस्पेक्टेबिलिटी तभी आएगी जब हमारी नियत जितना प्रॉमिस किया उससे कई गुना ज्यादा देने की होगी, तो ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट आएगा। तो ये 7 स्टेप है फॉर बिकमिंग, क्रिएटिंग अ रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन।
टॉकिंग अबाउट स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का फंडा बहुत सिंपल सा फंडा है, एवरी डे गो बियॉन्ड पॉसिबल. और यही हमने बात किया कि चेंज द ऑर्बिट एवरी 3 मंथ्स मिनिमम, ट्राइमिस्टर सिस्टम मानो और हर दिन ऐसा कुछ करो जो आपने आज से पहले कुछ कभी नहीं किया है. जरा याद करो जब पहली बार बाइसिकल चलाना सीखे थे हम लोग, उससे पहले बाइसिकल चलाना आता था? हमने हिम्मत की, हम चढ़े तो गिरे, फिर भी कोशिश की, फिर गिरे, फिर भी कोशिश की. याद करो अगर आपने स्विमिंग सीखा हो तो पहली बार जब पानी में उतरे थे कितना डर लगता था पानी में उतरने में, बट देन बिकॉज यू डिड समथिंग यू नेवर डिड बिफोर यू लर्न हाउ टू स्विम. रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू स्पोक ऑन द स्टेज, देयर वाज अ लॉट ऑफ नर्वसनेस, ऐसा पहले कभी नहीं किया था, पर चूंकि मैंने वो किया तो आज प्रोबेबली यू नो फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज नॉट एबल टू स्पेल माय ओन नेम, मैं बहुत अटकता था, बहुत हकलाता था बचपन में क्या, अंटिल आई फिनिश माय इंजीनियरिंग, अंटिल आई गॉट मैरिड रादर. अगर कोई मुझे अपना नाम पूछता तो मुझे अपना नाम बोलने के लिए 3 मिनट का वक्त लगता, 2.5 से 3 मिनट का वक्त लगता, मैं थूक गिरता, मैं स्ट्रगल करता. और इतनी विषम परिस्थिति जहां पे मैं अपना नाम तक अगर कोई पूछता और नहीं बोल सकता, एक ही रीजन है कि आज अगर यहां तक पहुंचा हूं तो हर दिन मैंने जो शक्यता थी उसके आगे गया, बार बार गिरने को तैयार था. देखो जो गिरने को तैयार नहीं है वो जिंदगी में कभी उठ नहीं सकता. एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच फेल टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, विच फेल टू फेल विल नेवर बी एबल टू सक्सीड. जो फेल होने में फेल होते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. तो बहुत सारे निरंतर एक्सपेरिमेंट्स करते जाओ और जो आज तक नहीं किया ऐसा कुछ निरंतर अटेम्प्ट करो. क्या होगा, हारोगे, गिरोगे, फिर खड़े होगे, जान तो नहीं लेने वाला कोई, जान चली भी गई तो भी कुछ अच्छा काम करते हुए गई. यू नो लाइक वो रोज एक 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 सवाल, एक सवाल, दो ऑप्शन है, या तो रोज डर के रोज मरो या रोज जियो एक बार मरो, विच इज द बेटर वे. रोज डर के रोज मरो, रोज डरो रोज मरो, या रोज जियो एक दिन तो मरने, एक ही दिन मरो ना यार, रोज क्यों मरते हो? बीगो भी मेंबर है अपने, या बीगो भी मेंबर भी है. अच्छा ग्लोबल राइट. सो द होल आइडिया इज गो बियॉन्ड पॉसिबल, दिस इज द ओनली वे टू बिल्ड अ स्केलेबल एंटरप्राइज. हम बहुत दायरों में जीते हैं, एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर हम बहुत दायरों में जीते हैं. कितने लोग कोई एक्सपीडिशन पे गए हो यहां पे, कितने लोग कोई हिमालयन ट्रैकिंग पे गए हो, या ओनली 1-2-3 पीपल. कितने लोग बिना डेस्टिनेशन के कोई एडवेंचरस एक्टिविटी में गए हो. सी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव इन बाउंड्रीज, मैं मेरा घर मेरा ऑफिस, मैं मेरा घर मेरा ऑफिस. यू नो बचपन में थे तो यू नो स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल के घर, घर से स्कूल, यू नो इतना लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं कि हमने कभी अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कभी खुल के सोचा ही नहीं अपने आप को. सी एवरी डे ब्रेक सम न्यू बैरियर्स एंड दिस इज द ओनली वे वी वुड बी रियली एबल टू स्केल अवर ऑर्गेनाइजेशन, यू नो गो बियॉन्ड पॉसिबल. नाउ थर्ड सेकेंड स्टेप, कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू मीट न्यू कस्टमर डिमांड्स. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं देखता हूँ 15-15 साल से सेम ढला चल रहा है, वही प्रोडक्ट 15 साल पहले बनता था, आज भी वही प्रोडक्ट बनता है. कस्टमर का कल हमने बहुत खूबसूरत चर्चा की क्या क्या संभावनाएं हैं. अगर आप रियल में ये दायरे के बाहर आके आप सोचो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या संभावनाएं हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते क्या क्या संभावनाएं हैं. कल हम लोग इनफैक्ट साजन मिल के लिए हम लोग बात कर रहे थे. सी सो फार दे हैव बीन सेलिंग ओनली द रॉ राइस, यू नो दाल चावल और गेहूं, ये तीन चीज रॉ फॉर्मेट में आता है, प्रोसेस करके बेचते हैं. आप जब तक उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करते हो,
कितनी सारी संभावनाओं की बात की हमने कल। एक क्लासिक आइडिया दैट केम आउट वॉज सी टुडे इट्स अ एरा ऑफ क्या बोलते हैं इंस्टेंट सब कुछ। घर में लेडीज बहुत मेहनत नहीं करना चाहती, अभी जो प्रोडक्ट बेचते हैं समथिंग रेडीमेड फॉर द एल्डरली पीपल जिनके दांत नहीं है उनको भोजन चाहिए, करेक्ट, जिनके दांत नहीं है जो बूढ़े हो गए हैं उनके लिए कुछ अगर रेडीमेड यू नो प्रोडक्ट शायद मतलब कोई मार्केट में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। क्या चीज है, सेम रॉ मटेरियल को सही मात्रा में अगर एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ में हम बैठ के उस एज ग्रुप के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, यू नो ऐसी अगर हम सोचें अगर कि क्या क्या मार्केट सेगमेंट है उधर क्या क्या चीज की जरूरत है कहां पे गैप है, सेम नए मार्केट सेगमेंट्स के लिए नए 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 प्रोडक्ट्स आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है क्या नया करें, कौन नया, कौन मार्केट, कौन कस्टमर है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए, उसकी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या नया कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी सी चीजें अगर हो जाए, हमने बात किया पिछले सेशन में फाइंडिंग न्यू एप्लीकेशन फॉर द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस को अलग 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 सेगमेंट में आप कैसे डाल सकते हो। सेम प्रोडक्ट कैन बी यूटिलाइज इन मल्टीपल वेज, लिटिल मॉडिफिकेशन हियर एंड देयर इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग, इन टर्म्स ऑफ यू नो द होल प्रेजेंटेशन। आप सेम प्रोडक्ट को, सेम सर्विस को मल्टीपल मार्केट सेगमेंट में आप कैसे डाल सकते हो, ओनली दैट इज द ओनली वे यू कैन रियली स्केल योर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, बिल्ड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पॉइंट नंबर फोर। सी आज जितने भी एमएनसीज है वो एमएनसीज इसीलिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, देयर आर लॉट ऑफ इंडियन एमएनसीज एज वेल, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीनेशनल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया। कोलगेट का पेस्ट देखो आप, गांव गांव तक फैला हुआ है, गांव गांव तक फैला हुआ है, करेक्ट, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो कैसे रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। फोर्ज न्यू रिलेशनशिप एंड मास्टर द आर्ट ऑफ कोलैबोरेशन, नए रिलेशनशिप को बनाना और साथ में मिलके काम करने की कला को मास्टर करना। आपके अंदर कुछ एक्सपर्टीज है, किसी और के अंदर कुछ और एक्सपर्टीज है, कोई बनाने में मास्टर है, कोई बेचने में मास्टर है, ये दोनों अगर कोलैबोरेट हो जाए, करेक्ट, कोई इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, कोई जापान में बहुत स्ट्रांग है, ये दोनों लोग कोलैबोरेट, यू नो सी दिस इज हाउ द कोलैबोरेशंस आर बिल्ड। तो ये आर्ट ऑफ कोलैबोरेशन इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू मास्टर एंड मोस्ट क्रिटिकली बिल्ड वेरी वेरी स्ट्रांग बेस ऑफ ट्रस्ट इन द हार्ट्स ऑफ बैंकर एंड इन्वेस्टर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्केल करना है तो बिना पैसे के, बिना वर्किंग कैपिटल के, बिना फाइनेंशियल बैकअप के आप ऑर्गेनाइजेशन को स्केल नहीं कर सकते। एक आज की बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आपके पास में बिजनेस मॉडल है, पैसा कभी भी कमी नहीं है आज की तारीख में, जितना चाहिए उतना पैसा। मैं आरजीबी फैमिली के कुछ मेंबर्स के यहाँ पर बैठा था एंड हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे ऐसा बताया गया कि ऐसे लोग हैं दुनिया में आज की तारीख में जिनके पास में 4-5 हजार करोड़ रुपया पड़ा है, 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपये पड़ा है, उनको सिर्फ कोई ट्रस्टेड लोग चाहिए जो उस पैसे को संभाल सके, बैज भी नहीं चाहिए, दे डू नॉट इवन वॉन्ट इंटरेस्ट ऑल्सो, उस पैसे को खाली संभाल सके। अभी ऐसे सोर्सेस आपके पीछे होने चाहिए तभी आप बिजनेस को स्केल कर सको। उनके अंदर आप कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकते हो, नंबर टू। नाउ बात आती है स्केलेबिलिटी की, बात आती है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी कब आती है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जो रेट से हम ग्रोथ कर रहे हैं उस ग्रोथ रेट को हम बरकरार रखें, ग्रोथ रेट को बरकरार रखें। तो सस्टेनेबिलिटी होती है एवोल्यूशन से, निरंतर ऑर्गेनाइजेशन निरंतर निखरे, ऑर्गेनाइजेशन निरंतर निखरे। तो सस्टेनेबिलिटी आती है जब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस से बाहर निकलकर सॉल्यूशंस बेचने के बिजनेस में आए।
प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस से बाहर निकलकर सॉल्यूशंस बेचने के, तो क्या होगा, कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। प्रोडक्ट बेचते हो तो प्रोडक्ट तो कोई और भी बेचेगा, सॉल्यूशंस बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ में रिलेशनशिप जो है नॉर्मली बहुत स्ट्रॉन्ग हार्नेस होते हैं। सो यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेटनेस का पूरा रोल आता है। तो कहीं ना कहीं पे सेलिंग मोर टू सेम कस्टमर इज अगेन वन मोर वेरी वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट। नाउ सस्टेनेबिलिटी का एक और फंडामेंटल रूल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन निरंतर सीखते नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन निरंतर सीखते नहीं है वो कभी सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन में क्या बदलाव आ रहा है उनको पता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जहां पे लर्निंग का बेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है। अगेन हमने हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पे यहां से यहां तक चढ़े बट देन वापस कब नीचे उतर गए पता ही नहीं, और उनके नीचे आने का कारण लोग समझते हैं कि कॉम्पिटिटर है। मैं समझता हूं ये कॉम्पिटिटर का कोई चक्कर नहीं है, उनको कस्टमर ने नकारा, उनको कॉम्पिटिटर की कोई ताकत नहीं, कोई औकात ही नहीं है कि किसी बिजनेस को बाहर निकाल दे। वो अगर किसी को दिया गया है तो वो कस्टमर को। ऑर्गेनाइजेशन अगर मरती है, ऑर्गेनाइजेशन उसी दशा में मरती है जब उसको कस्टमर नकारता है। वर्ल्ड का कोई भी ब्रांड ले लो, जब तक कस्टमर ब्रांड के पीछे खड़ा है दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हिला सकती, कॉम्पिटिटर की कोई औकात नहीं। नाउ सिक्स, हमने बात किया पिछले सप्ताह, ट्रैवल ए लॉट लर्न ए लॉट, बहुत ट्रैवल करो जब जब शक्यता है, जब जब संभावना है, राइट। हम लोग निरंतर ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चार लोग हैं तो चारों के चारों निरंतर एक के बाद एक ट्रैवल करते रहने चाहिए, एक आया एक गया, एंड ट्रैवल करो। बहुत बार मैं ऐसा बोलता हूं कि बिना मकसद के ट्रैवल करो, बिना कोई अपेक्षा के ट्रैवल करो। अगर आप रियल में वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हो, वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर आप देखते हो रियल में, तो लोग भ्रमण करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूं यू नो ड्यूरिंग माई ट्रैवल, वो लोग 4-5 साल तक पैसा इकट्ठा करते हैं एंड देन दे गो फॉर अ 6 मंथ हॉलिडे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। 4-5 साल तक वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में 6 महीने का हॉलिडे, 6 महीना कहां घूमते हैं, अलग 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 कंट्रीज में, 6 कंट्री में एक एक महीने का वीजा लेके घूमते हैं। सर, देयर आर प्रोफेशंस हु आर ऑफिशियली अराउंड दिस। यस यस, मैं तो बोलता हूँ आप सैलरी देके आप एक महीना ट्रैवल करने के लिए घूमो। इनफैक्ट अपने परिवार में गोयल जी के यहाँ पे इतने कितने एम्प्लॉयज है जो 20-25-30 कंट्रीज घूम के आए, एम्प्लॉयज सो मेनी पीपल, और निरंतर हर महीना कोई ना कोई बाहर रहता ही है, हर महीना कोई ना कोई बाहर रहता ही है। Employees have traveled multiple countries, 20-20 country, 25-25 country में employees घूमे हैं company के खर्चे पे। See, that is when the organization evolved. हम लोग तो owner के आंदे हैं। Sir, yes. सबको पता हो या ना हो, income tax में ऐसा एक provision है। हाँ। 5 साल में अगर आप officially business related tour करते हैं 2 बार तो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है। क्या बात है, क्या बात है, yes. क्या बात है, सुपर। फॉर ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, नॉट प्राइवेट रिलेटेड कंपनीज, प्रोप्राइटरी फर्म आल्सो, यस। ये मेडी पूछ रहा था तो पूरा सब्सिडी दे रहे को दिया है, फिर भी नहीं जाते यार। फिर भी नहीं जाते। आप देखो, सी ये परिवार इतना खूबसूरत परिवार है कि जहां पे सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, टूर एंड ट्रैवल वालों से लेके एग्जीबिशन कंडक्ट करने वालों से लेके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके आपके खान पान की व्यवस्था करने वालों से लेके यू नो आप बात करो। यस सर, आई वांट टू ऐड, लास्ट वीक वी हैड अ प्रोग्राम ऑन बारकोड। यस, एट दैट टाइम द डायरेक्टर ऑफ एमएसएमई इंस्टीट्यूट अहमदाबाद ऑफिस डिक्लेयर्ड दैट मिनिमम 10 पीपल इफ दे आर गोइंग टू सच टूर they can give up to 25 lakhs of rupees. Wow. Sir, yahan pe 40 log hai sir. Initiate karo. Ha, let us really travel together. Matlab main chahta hu ki is saal
हम लोग रियली ट्रैवल करें साथ में इस साल, हम लोग रियल में सी बेनिफिट्स है तो क्यों नहीं बेनिफिट्स उठाए हम लोग, और इसी से स्टेट की इकोनॉमी बूस्ट होती है। और हमारा इतना खूबसूरत फोरम है परेश भैया, देखो वर्किंग करो फटाफट यार, घुमाओ सबको, देखो कहाँ कहाँ घुमाते हो इस बार। एक ट्रिप तो हमको सबको चाइना का लेना है, कल हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री कमिश्नर आ रहे हैं, ओके बात कर लेता हूँ उनसे। हाँ हाँ देखो क्या हो सकता है, लेट अस रियली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज, और साथ मिलकर इतनी सारी चीजें हो सकती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ, सस्टेनेबल बनना है तो ट्रैवल अ लॉट लर्न अ लॉट, और जितने आप ट्रैवल करते हो बिना एजेंडा के, जितना आप ट्रैवल करते हो उतना आपको नए 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 आइडियाज आते हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देगी जो आप वो फ्रेमवर्क में रहकर वो अपॉर्चुनिटी आपको नजर नहीं आएगी। सर ये मेड इन गुजरात का वो एक्सपीरियंस को गया था लास्ट टाइम अफ्रीका, इट वाज गुड, दुबई, इनफैक्ट आई एम गोइंग दुबई फेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरा बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है। उसके बाद यूएस का एक फेयर है मेड इन गुजरात का, हाँ आज मेल आया होगा, मेड इन गुजरात का दुबई फेयर है, यूएस फेयर है, और मुझे लगता है कि हमको मैक्सिमम संख्या में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ नहीं तो कुछ एक्सपोजर तो लेके आएंगे, बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत अलग बात है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि एक्सपोजर तो आप लेके आएंगे, बहुत सारी नई विचारधारा आप लेके आएंगे, वहाँ के लोगों को मिलेंगे, वहाँ के कल्चर को देखेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक भी बात आप अच्छी अगर लेके आ गए तो बिलीव मी वो पैसा वसूल है, टाइम वसूल है, राइट। सेवंथ हमने बोला सस्टेनेबिलिटी के लिए यंग टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन में लाना और उनका फ्रेश आइडियाज को हार्नेस करना। आज ऑर्गेनाइजेशंस बूढ़े होते जा रहे हैं, बूढ़ों से डोमिनेट होते जा रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, बट मैं ये बोलता हूं कि मैं जो सोचता हूं यही सही नहीं है, तुम लोग सोचो, तुम लोग सजेस्ट करो, तुम लोग नया कुछ सोचो, क्या नया कर सकते हो, उनको आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दो और वो लोग आपको रियल में सरप्राइज करेंगे। आई हैव गॉट वन टीम वर्किंग फॉर अस राइट नाउ एंड दे हैव रियली रियली लाइक यू नो डन अ फैबुलस जॉब विद वन प्रोजेक्ट जो बहुत टाइम से इट वाज इन आवर गोल लिस्ट बट देन लाइक यू नो इनिशिएट नहीं हो पाई थी एंड दिस यंग टीम ऑफ टू पीपल दे रियली रियली डिड अ फैबुलस जॉब एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग दिस होल प्रोसेस नाउ। तो कहीं ना कहीं पे यंग टैलेंट को लेके आओ, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ टू एनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हार्नेस कर सकते हैं। मेरा सबसे स्ट्रांगली मानना है प्रॉफिट तभी आता है जब आप दुनिया से आगे हो, प्रॉफिट तभी आता है जब आप दुनिया से आगे हो। हमने कहा वो भेड़ों वाली कहानी शायद आप लोगों को याद होगी, करेक्ट, कि यहां पे सब भेड़ चाल है, यहां पे सब भेड़ चाल है, एक भेड़ चलता है तो पूरा झुंड उसके पीछे चलता है। मैं कहता हूं कि भेड़ चाल में कोई गलती नहीं है, कोई समस्या नहीं है, भेड़ चाल होनी ही चाहिए, पर फर्क इतना ही है कि भेड़ चाल में भेड़ नॉर्मली गांवों से पहाड़ियों में जाना पसंद करते हैं, भेड़ का झुंड जो है वो गांवों से पहाड़ियों में जाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा और हरा हरा घास खाने को मिलेगा। पर सच्चाई ये है कि घास किसको खाने को मिलेगा, जो सबसे पहले लाइन के भेड़ है उन्हीं को घास खाने को मिलेगा, पीछे वाले भेड़ जो है पहले लाइन वालों ने जो छोड़ा है वो ही मिलेगा। खूबसूरत नजारा पहले लाइन वालों को देखने को मिलेगा, पीछे वाले को देखने को मिलेगा आगे वाले का पिछवाड़ा। हाँ, पीछे वाले को क्या देखने को मिलेगा। अभी एज ए पार्ट ऑफ दिस बिजनेस लीडर्स फोरम मैं चाहता हूं कि हम किसी भी हालत में आगे वाले का पिछवाड़ा देखने में बिलीव नहीं करें, हमको हर दिन खूबसूरत नया नजारा ही देखना है। तो इनोवेशन नेक्स्ट इज वॉट, इसके बाद क्या, ये किया चलो इसके बाद क्या, 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 निरंतर आप अपने फील्ड में अग्रणी रहो, किसी के पीछे नहीं चलने का, किसी को फॉलो नहीं करने का। और ये तभी होता है
जब आप अपने बिजनेस को ट्राइमेस्टर सिस्टम में डाल दो, एवरी क्वार्टर यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, एक लक्ष्य बना लो, एवरी क्वार्टर यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, ट्राइमेस्टर खत्म हो गया, अगले ऑर्बिट पे नहीं गए, फेल हो गए, और फेल हमको होना नहीं है। ट्रू यस ऑर नो? प्रॉफिटेबिलिटी तभी इंश्योर कर पाओगे जब आप मार्केट की, जो मार्केट में हर दिन कुछ नया लेके आओगे, हर दिन कोई नई नई कहानी लेके आओगे, एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करो कि जहां पे कस्टमर बोलता है आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए, यही चाहिए, कैडबरी चॉकलेट यही चाहिए, पार्कर पेन यही चाहिए। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स वेयर पीपल से, जो सोनी के फैंस हैं उनको सोनी के नीचे कुछ चलता ही नहीं, यही चाहिए, यही चाहिए। जो एप्पल के फैंस हैं, एप्पल छोड़कर दूसरा कोई प्रोडक्ट, मतलब दे आर काइंड ऑफ यू नो मैरिड टू एप्पल। ऐसा क्या क्रिएट कर सकते कि जहां पे पीपल बाय ब्रांड, पीपल बाय योर ब्रांड, पीपल डोंट कम टू यू फॉर अ प्रोडक्ट, पीपल कम फॉर योर ब्रांड। हमने विजन टू एग्जीक्यूशन में बात किया था समथिंग कॉल्ड पुश पुल टेक्नोलॉजीज। कुछ आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा हो, प्रोडक्ट मिक्स जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स ऐसा हो कि कुछ प्रोडक्ट कस्टमर को खींच के लेके आए और कुछ प्रोडक्ट्स आपको, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे। सम प्रोडक्ट जो कस्टमर मांग के आता है वहां पे आप बहुत लो मार्जिन में या लोअर मार्जिन में या इवन नेगेटिव मार्जिन में काम करो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस करना है तो कुछ प्रोडक्ट कस्टमर को खींचने के लिए होने चाहिए, कुछ प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी देने के लिए होने चाहिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज पुश पुल टेक्नोलॉजीज। एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट मिक्स कैन एंश्योर योर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्ट मिक्स, अच्छा प्रोडक्ट मिक्स आपके प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए निरंतर वर्क नॉन स्टॉप ऑन प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में निरंतर अपनी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोसेसर्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ब्रांड, प्रोडक्टिविटी ऑफ योर प्रॉपर्टी, प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरीथिंग, बिजनेस के हर एस्पेक्ट में आप प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट कंटिन्यूसली कैसे कर सकोगे, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वर्क नॉन स्टॉप ऑन कॉस्ट रिडक्शन वेर एवर पॉसिबल, जहां जहां पे शक्यता है, जहां जहां पे संभावना है, लागत को कम करने की दिशा में काम करो। जहां जहां पे वेस्टेज हो रहा है और यहां पे एक लैंडमार्क कंपनी है टोयोटा, दे आर मास्टर्स एट कॉस्ट प्रोडक्शन। हर जगह पे, जहां जहां पे वो लोग बोलते हैं कि जहां पर भी नॉन वैल्यू एडिशन एडेड वेस्ट इंक्लूडिंग द टाइम, टाइम इज द बिगेस्ट कॉस्ट, तो टाइम का कॉस्ट भी आप कैसे कम कर सकते हो, यू नो 6 घंटे में होने वाला काम को 4 घंटे में कैसे कर सकते हो, 4 घंटे में होने वाला काम को। एक क्लासिक केस स्टडी था बैंक्स में लोन अप्रूवल का प्रोसेस। एक जमाना होता था जब एक लोन पास करने के लिए 3 महीना लेता था, और आज वस्तु स्थिति ऐसी है 15 मिनट के अंदर आपका बेसिक डॉक्यूमेंट सब फिल करवाएंगे, आपको एक कॉफी पिलाने के लिए आपको कॉफी शॉप में लेके जाएंगे, वापस आएंगे तब तक आपका डीडी तैयार है। 15 मिनट एक्सप्रेस लोन्स, 15 मिनट्स। नाउ आप सोचो कितना कॉस्ट रिड्यूस हुआ। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं कि जो 1 महीने का प्रोजेक्ट है उसको एक सप्ताह में कैसे कर सकते हो। थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल वेज हाउ यू कैन रियली स्क्वीज योर टाइमलाइंस। There's a huge opportunity cost which can, yes sir. Toyota का एक advertisement आया है, गाड़ी के service के लिए सिर्फ 1 घंटा, yes, 1 hour. See, शुरू कर दिया। Classic, yes, classic. 1 घंटे में आपकी गाड़ी सर्विस करके वापस छोड़ेंगे। Something fabulous. आप देखो, these are the new landmarks that are getting created. Cost reduction कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इसी से आपकी profitability enhance हो सकती है। सिक्स्थ, आपका पैकेजिंग। प्रॉफिट एनहांसमेंट के लिए पैकेजिंग बहुत क्रिटिकल है। पैकेजिंग ऑफ योर पीपल, पैकेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग ऑफ योर ब्रांड। सी, पैकेजिंग से बेटर वैल्यूएशन मिलता है, और बेटर वैल्यूएशन, देखो
मैं एक बात रियली शेयर करना चाहता हूं, प्रॉफिट लेना गुनाह नहीं है। अगर ऐसी किसी की धारणा है तो मैं आप सभी को रियल में करेक्ट करना चाहता हूं, वन एनी कंपनी मस्ट मेक सफिशिएंट प्रॉफिट, लिटिल मोर देन सफिशिएंट प्रॉफिट, क्योंकि आप पैसा लोगे तभी आप सर्विस दे पाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं लीस्ट प्रॉफिट में काम करूंगा और सर्विस भी दूंगा, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो सर्विस देने की तो संभावना खत्म ही हो जाती है। वॉल्यूम बढ़े और अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घटे तो वो ग्रोथ ग्रोथ नहीं है। वॉल्यूम भी बढ़े इसलिए मैंने बोला प्रॉफिटेबिलिटी जब हमने बात की, तो हर साल आपकी नेट बैलेंस शीट में, आपके P&L में नेट प्रॉफिट का परसेंटेज, आपका नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निरंतर बढ़ना चाहिए, और वो अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छे पैकेजिंग से। एंड वर्ल्ड वाइड नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे चीजों को अगर आप रियल में हार्नेस कर सको तो हर एक बदलाव से नए अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रहे हैं। हर बदलाव से कुछ चीजें बाहर जाने को है बट कुछ नई अपॉर्चुनिटी पैदा होने को है। अगर आप ये पॉलिटिकल चेंजेस को, सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस को, जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो चेंजेस से, समाज में जो नई 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 चीजें हो रही है, इसमें हर बदलाव में नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, ये अपॉर्चुनिटीज को अगर आप ग्रैब कर सको आपका प्रॉफिटेबिलिटी निरंतर बढ़ता जाएगा। अगर आप अपने कैबिन में, यू नो वो बोलते ना कि अक्का कैंपस में वर्ल्ड फेमस है वाला किस्सा, यू नो वो बोलते ना हर कुत्ता अपनी गली में शेर है, या तो गली का शेर बने रहे, रियल में आप स्केल नहीं कर पाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे, और ईयर ऑन ईयर आपका प्रॉफिटेबिलिटी घटने वाला है। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है ईयर ऑन ईयर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है जितना मार्केट में चेंज होता है, बिकॉज वो चेंज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और उससे प्रॉफिटेबिलिटी निकाल। अपन तो बनिए यार, ये तो ये चीज को सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बनियों को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट देन आज रियलिटी यही है कि बनियों को ही सिखाने की जरूरत है, राइट नाउ। सो दिस इज अबाउट 7 स्टेप्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सहमत है सब लोग? या नाउ ओके, हार्नेस फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज कमिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट्स इन द इंडस्ट्री एंड ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। जो बदलाव आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, नए सोशल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। आज क्लासिक एग्जांपल मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक नया रेवोल्यूशन आया आफ्टर योर एप्पल एंड अदर एंड्रॉइड फोन्स के आने के बाद। आज कितने ऐसे कंपनीज है जिनके एप्स आर देयर ऑन द फोन, यू डाउनलोड एन ऐप फॉर एज लो एज 3 rupees पर मंथ, 2 rupees पर मंथ, 10 rupees पर मंथ। ये 10-10 rupees वाले 2 crore यूजर्स है, 10-10 rupees महीना का देने वाले 2 crore यूजर्स है। आप देखो इस टेक्नोलॉजी को कितना कंस्ट्रक्टिवली हार्नेस किया गया, इस टेक्नोलॉजी को कितना कंस्ट्रक्टिवली हार्नेस किया गया। और एक कभी नहीं सुना था कस्टमर दुकान पे आता, दुकान पे आने की जरूरत किधर है, दुकान होने की जरूरत नहीं है आज की तारीख में। तो हार्नेस किया, इस टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया और वो बदलाव जो आया, एक दिस वाज अ सोशल चेंज। ये सोशल चेंज से जो आया, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर हैपेंड, क्लासिक एग्जांपल ना, पॉलिटिकल चेंज, जो जिनकी आंखें खुली है उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई सीमा ही नहीं है। व्हेन वर्ल्ड वॉर हैपेंड, इतना सारा मास डिस्ट्रक्शन हुआ, कुछ लोग जागरूक थे उस वक्त, डिस्ट्रक्शन हुआ ना, कबाड़ के बिजनेस में अरबों रुपए कमाए थे। जो डिस्ट्रक्शन से जो कबाड़ पैदा हुआ, वो कबाड़ को बेचकर, वो कबाड़ को खरीदकर, वो कबाड़ को बेचकर लाखों करोड़ों रुपया उन लोगों ने कमाया। ऐसी कितनी सारी केस स्टडीज है। तो हर बदलाव से हम कैसे
प्रॉफिट कर सकते हैं, हर बदलाव से हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं, और दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल। नाउ उत्तराखंड में भी जरूर होगा डेवलपमेंट काफी, उसमें भी सर मैं आपको एक क्लासिक केस आई कैन शेयर विद यू राइट अवे। व्हेन कच्छ का जो भूकंप हुआ, कच्छ का जो भूकंप हुआ, हमारे परिवार में एक सदस्य के फादर का डेथ हुआ उस पर्टिकुलर इवेंट में, एंड इट वाज अ बहुत 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 दर्दनाक कथा थी। बट देन दिस कंपनी प्योरली फ्रॉम द सर्विस इंटेंशन दे रियली वेंट इनटू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर कच्छ डिस्ट्रिक्ट, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने लिया बिकॉज ऑफ विच दे रियली गॉट अ ह्यूज कनेक्शन विद द पॉलिटिकल पावर, और आज की तारीख में ये ऑर्गेनाइजेशन के पास में 3,000 crore के प्रोजेक्ट्स हैं, पार्ट ऑफ आरजीबी फैमिली मेंबर, 3,000 crore के प्रोजेक्ट्स हैं। वो बहुत आपदा की स्थिति में सच्चे दिल से मदद करने के लिए उन्होंने इतना सारा काम वहाँ पे किया, बट वो काम बहुत बड़ा रिटर्न दिया इन टर्म्स ऑफ देयर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद मोस्ट ऑफ द पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स इन द स्टेट गुजरात, एंड दैट कन्वर्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ ह्यूज मॉन्यूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एक बहुत मैसिव लेवल का काम कर रही है। हर विपदा में एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। हाँ, इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए, ये हमारा बेस है हमेशा, जो कुछ भी, तो पूरा बीज मंत्र है आरजीबी का, वॉट एवर वी डू लेट अस डू इट फ्रॉम द अटमोस्ट प्योरिटी ऑफ इंटेंट, इट्स नॉट अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, बट देन अपॉर्चुनिटी आर एग्जिस्टेंट, कैन यू कैपिटलाइज ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, 7 steps टू creating happiness to all connected. Step 1, we say think win-win-win. हम भी जीते, हमारे कस्टमर भी जीते, और हमसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जीते। हम भी जीते, हमारा कस्टमर भी जीते, और हमसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जीते। ये नियत अगर है ऑर्गेनाइजेशन में, always think win-win-win. It is हम भी जीते, हमारा कस्टमर भी जीते, और हमसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जीते। एम्प्लॉई हो सकता है, बैंकर हो सकता है, लेंडर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, ट्रेनर्स हो सकते हैं, एवरीबॉडी कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन शुड विन। सेकंड, सी कस्टमर की हैप्पीनेस किस में है? कस्टमर की हैप्पीनेस है व्हेन यू रियली डिलीवर बियॉन्ड द बेस्ट टू योर कस्टमर्स। जो बेस्ट है उसके बियॉन्ड डिलीवर करने की कोशिश करो, तो आपका कस्टमर हमेशा खुश रहेगा, और तभी वो कस्टमर आपका सेल्स फोर्स का पार्ट बनेगा। डिलीवर बियॉन्ड द बेस्ट टू योर कस्टमर्स, और हर दिन ये सोचो कि बेस्ट क्या है, उसके बाद सोचो उसके बियॉन्ड क्या दे सकते हैं। कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है ये सोचो, फिर उसके बाद उसके बियॉन्ड क्या क्या दे सकते हैं, ये बहुत क्रिटिकल चीज है। नंबर 1। नंबर 2, स्टेप नंबर 3, सपोर्ट योर कस्टमर्स इन द डिफिकल्ट टाइम्स। सपोर्ट योर कस्टमर्स इन द डिफिकल्ट टाइम्स, मॉरली सपोर्ट करो, इमोशनली सपोर्ट करो, एजुकेशन से सपोर्ट करो, एंड इफ रिक्वायर्ड, इफ क्रिटिकल, इफ इन एक्सट्रीम कंडीशंस, सपोर्ट फाइनेंशियली ऑल्सो। क्योंकि विषम स्थिति में जो पास में खड़ा होता है वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक फंडामेंटल रूल होना चाहिए। सपोर्ट योर कस्टमर्स इन देयर डिफिकल्ट टाइम्स, मॉरली, इमोशनली, एंड थ्रू एजुकेशन, एंड इन एक्सट्रीम केसेस इवन सपोर्ट फाइनेंशियली एज वेल, करेक्ट? क्योंकि हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है वही हमारा कस्टमर है ना, हमारा अस्तित्व उसकी वजह से है। आप कहीं बाहर जाके दान पुण्य मत करो, जरूरत पड़े कस्टमर के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो जब उसका डिफिकल्ट टाइम्स है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेल्प यू कैन डू टू योर कस्टमर इज कॉन्स्टेंटली एजुकेट योर कस्टमर्स ऑन हाउ टू इंक्रीज हिज बिजनेस। जो विषम परिस्थितियां आज की तारीख में आ रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल
कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ ग्लोबल एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन निरंतर बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के मद्देनजर आप आपके कस्टमर के लिए निरंतर कैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो. आई एवरी इवनिंग आई गो टू वन हॉस्पिटल फॉर माई फिजियोथेरेपी. वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा फोटो फ्रेम लगा हुआ है. वहाँ पे वो फोटो फ्रेम पे साहब लिखा हुआ है, एजुकेशन द ओनली वे टू रिमूव पॉवर्टी. बहुत खूबसूरत सा फ्रेम लगा हुआ है. आई विल ट्राई टू शेयर द फोटोग्राफ ऑफ दैट. एजुकेशन गुजराती में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है. ऊपर इंग्लिश में लिखा है, नीचे गुजराती में लिखा है, एजुकेशन द ओनली वे टू रिमूव पॉवर्टी. अपने कस्टमर को कंटिन्यूसली एजुकेट करो, कंटिन्यूसली एजुकेट करो ऑन हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू ग्रो, हाउ टू एक्सेल इन द टाइम्स ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशंस. सप्लायर कभी भी किसी भी हालत में सप्लायर का पैसा मत रोको. Unless the reason is extreme. अगर एक्सट्रीम रीजन है तब तक सप्लायर का पैसा मत रोको. कल भी देना, आज भी देना, आज दो ना यार, उसकी जिंदगी को सिंप्लीफाई करो ना. हमको तो देना ही है पैसा. आज दो, अपने सप्लायर का पैसा मत रोको. सर देखो, अगेन गलत बात है. अगेन मैं स्टेटमेंट में भी है, आदमी साहब 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 प्लीज, मेरा मेरा मेरी गुजारिश है, प्लीज स्टेप नंबर 3 पढ़िए. अपने कस्टमर को मेरे पास भेजिए. बस समझ लो मेरी बात को. अपने कस्टमर को मेरे पास भेजिए, उसको मैं ये सिखा के भेजूंगा, नेवर होल्ड योर सप्लायर्स पेमेंट. सर कल हमने हमारी जितनी एफडी थी उसको एन कैश कर दी, बिकॉज वी कैन पे टू आवर सप्लायर्स. दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग. अच्छा, कितनी कंपनीज कॉन्स्टेंटली एफडीज बनाते हो, फिक्स डिपॉजिट्स बनाते हो एज ए कंपनी, नॉट एज एन इंडिविजुअल. इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कितने लोग एफडीज बनाते हो? बनाते थे, दो तीन एक साल से बनती है. वापस चालू करो. एसेंशियल है ब्याज का मुंह नहीं देखने का. जब भी सरप्लस होता है एक इमरजेंसी फंड में डालते जाओ. फाइनेंस की बात करेंगे हम, ये सारी चीजें आएंगी, राइट. कॉन्स्टेंटली कीप मेकिंग एफडीज. पड़ा रहे लिक्विड कैश, कोई टेंशन नहीं. नौ टका मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ व्हेन इट कम टू एम्प्लॉइज ऑन टाइम सैलरीज नंबर वन, कंटिन्यूअस एजुकेशन नंबर 2, एंड अपॉर्चुनिटी टू स्केल देयर एबिलिटीज. हैप्पीनेस एम्प्लॉइज को तब मिलता है जब आप उनको नंबर 1 ऑन टाइम सैलरी देते हो, नंबर 2 आप उनको कंटिन्यूस एजुकेशन देते हो. आज पीएलई एक प्रोग्राम जो चल रहा है, काफी सारे कंपनीज के एम्प्लॉइज आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. आप देखो उनके अंदर क्या मैसिव बदलाव है, मैसिव बदलाव है, एंड दे आर डूइंग फैबुलस जॉब. और एम्प्लॉई को खुश रखने का एक सबसे बड़ा तरीका है, वो जो काम कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी से थोड़ा ज्यादा का काम दो, एक्सपैंड, और थोड़ा प्रेशर दो. एक्सपेंड करने के लिए उसको प्रेशर देना जरूरी है ताकि उनकी कैपेबिलिटी में निरंतर वृद्धि हो, उनकी कैपेबिलिटी में निरंतर वृद्धि हो. दिस इज बेसिकली लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वे टू इंक्रीज द हैप्पीनेस अमंग योर एम्प्लॉइज. व्हेन इट कम टू फैमिलीज, पांच पे ओके. ऑन टाइम सैलरीज, कंटिन्यूस एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी टू स्केल, ये लास्ट वाला बहुत क्रिटिकल है सब. अपॉर्चुनिटी टू स्केल देयर एबिलिटी,
सिर्फ पैसा देने से आप उसके उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, उसको खुशी। जब जो काम मैंने सोचा था मेरे से नहीं होगा वो काम अगर मैं कर देता हूं तो मेरी आत्मसंतुष्टि का लेवल जो है ये भयंकर बढ़ जाता है। यस और नो? अपने एम्प्लॉयज को कुछ ऐसे टास्क दो जहां पे उनकी कैपेबिलिटी एक्सपेंड हो। नंबर सिक्स, हाई क्वालिटी अनडिवाइडेड टाइम टू द फैमिली। जितना भी हो इट शुड बी अनडिवाइडेड टाइम टू द फैमिली, हाई क्वालिटी, वेरी वेरी हाई क्वालिटी अनडिवाइडेड टाइम टू द फैमिली इज स्टेप सिक्स। स्टेप सेवन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी थ्रू सपोर्ट टू मीनिंगफुल कॉजेस। जो मीनिंगफुल कॉजेस है उनको सपोर्ट करना फाइनेंशियली, तन से मन से धन से, समाज के कुछ अच्छे कार्यक्रमों में अपना योगदान देना, ये किसी भी बिजनेस का दायित्व है। पर एक वार्निंग मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, प्लीज काइंडली डू नॉट सपोर्ट एनी प्रोग्राम वेयर फ्री मील इज गिवन टू पीपल। प्लीज डू नॉट सपोर्ट एनी प्रोग्राम वेयर फ्री मील इज गिवन टू पीपल। साहब जब फ्री में खाना मिलता है आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, फ्री में खाना मिलता है आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। और आज इंडस्ट्री की दुर्दशा का कारण हम लोग ही है, क्योंकि वो अन्नकूट होता है वहां पे हम तो अच्छे इंटेंशन से खाना खिला रहे हैं, पर लेबर जो है सुबह एक जगह पे खाना मिलता है, शाम को एक जगह पे खाना मिलता है, करेक्ट, दोपहर को कुछ छोटा मोटा काम करके वो कर लेता है, इंडस्ट्री में आकर तब कर काम करना ही नहीं चाहता और उससे उसकी एबिलिटी क्षीण हो रही है और एक कम्युनिटी ऊपर उठने की जगह पे नीचे जा रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आपको किसी एक कॉज में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एजुकेशन के कॉज पे बहुत सारा पैसा लगाओ। गांव गांव में 10-10, 20-20, 50-50 लोग मिलके स्कूल खोलो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलो, सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवाओ, इंसान के अंदर सपना जगाने वाली एक्टिविटीज करो, पर प्लीज गॉड सेक डू नॉट सपोर्ट एनी एक्टिविटी जहां पे मेहनत किए बिना किसी को रिवार्ड मिलता हो, ऐसा किसी भी एक्टिविटी में ये परिवार का कोई सदस्य कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करे, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। महीने में एक बार किया तो हो गया ना साहब। आज कौन सा एक इंडस्ट्री है जो लेबर की समस्या से नहीं जूझ रहा है? ऐसा थोड़ी है कि लेबर सब अचानक रिच हो गए या मतलब यू नो उनकी उनको काम की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी है। देर आर सर्टन रॉन्ग पॉलिसीज, there are certain wrong methodologies, there are certain wrong belief system। हमको लगता है हम दान पुण्य कर रहे हैं, पर आप दान पुण्य नहीं कर रहे हो साहब, किसी को अच्छे स्थिति से और दुस्थिति में भेजने का काम कर रहे हो। थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में था इंसान वो, उसको और दुस्थिति में भेजने की। सर ये समझ चाहता हूँ सर, जब से कई स्टेट जैसे झारखंड है, बिहार है, तमिलनाडु, वहाँ 2 रुपये किलो चावल का कर दिया, आज गुजरात में लेबर फोर्स बहुत कम हो गया, खत्म हो गया साहब। बिल्कुल बोलते हैं 2 रुपये किलो में चावल मिलता है, फिर हम क्यों मजदूरी करें? मजदूरी क्यों करें? इट्स अ न्यूसेंस। और ये जो सदाव्रत जीते हैं चलते, वो सबसे बड़े न्यूसेंस के पॉइंट है। रिलायंस ने कभी सदाव्रत चालू नहीं किया। यस, रिलायंस कभी चैरिटी नहीं करता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। द रिलायंस वे ऑफ चैरिटी इज क्रिएटिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। The best way to do charity is to create more employment. Scale करो organization को, बहुत सारा employment create करो, उससे बड़ी charity कुछ ही नहीं सकती। दान पुण्य अगर कुछ, सबसे बड़ा दान पुण्य कुछ है तो employment create करना।
जितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो उतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का दायरा आप फैला सकते हो उतना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का दायरा फैलाओ, जितने लोगों को आप एजुकेट कर सकते हो, एम्पावर कर सकते हो और अपना पार्टनर बना सकते हो उतना अच्छी बात है। बट देन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, प्लीज डू नॉट सपोर्ट एनी कॉज वेयर यू गिव फ्री मील्स टू पीपल। मेहनत करना बंद कर देगा आदमी। डोंट गिव फिश, टीच हिम फिशिंग। यस, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। एंड इंस्पायर पीपल इन वॉट एवर वे पॉसिबल, वेर एवर पॉसिबल। एजुकेशन में जितना पैसा हम लोग डाल सकते हैं लेट अस रियली इन्वेस्ट, जितना समय डाल सकते हैं लेट अस इन्वेस्ट, जितनी एनर्जी डाल सकते हैं लेट अस इन्वेस्ट। तो दिस इज सर एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, सिंस आई एम कनेक्टेड विद द एजुकेशन आई वुड लाइक टू हाईलाइट। यस, इंडिया में जितने लोग पैदा हो रहे हैं ना, हां, उसमें से कॉलेज तक कितने पहुंच रहे हैं मालूम है आपको फिगर? नो, इट इज हार्डली 10%। ओह माय गॉड, इट इज हार्डली 10%। हाँ हाँ, और गवर्नमेंट का टारगेट 30% करना है और वो 30% के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आई एम टेलिंग यू, हर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना उसमें से सिर्फ कॉलेज तक सिर्फ 10 बच्चे पहुंच रहे हैं, सिर्फ 10। दिस इज अ फैक्ट, मैं कोई कल रात को ठीक से खाना खाया था और कुछ लिया भी नहीं, इट्स अ फैक्ट था। और गवर्नमेंट को उसको बढ़ा के 30% करना है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट के पास। मतलब अगर सब बच्चे कॉलेज में पहुंच गए ना तो उतने कॉलेज ही नहीं है इंडिया। मतलब आर्ट्स के पकड़ लो, साइंस के पकड़ लो, इंजीनियरिंग के पकड़ लो, कॉमर्स के पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, तो उतने कॉलेज है ही नहीं इंडिया के। दिस इज अ फैक्ट। अपने पास दोनों स्कोप है, एजुकेट करना और दूसरी कॉलेज खोलना। नहीं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, उनको लग रहा है इट इज एन अपॉर्चुनिटी। हां है, सही। तो आई थिंक दीज आर द 7 स्टेप्स on how to achieve growth with happiness. Any suggestions? Probably, like, you know, meri guzarish hai, I am on a project to come out with a book on this subject. Agar koi input de sakta hai, agar koi kuch case studies share kar sakte hai, agar koi stories share kar sakte hai is subject pe, you are most welcome to share through email, through personal, whatever way. ब्यूटिफुल वे टू शेयर द नॉलेज टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। सर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। यस सर, ये जो आपका नाम है ग्रोथ विद हैप्पीनेस, यस, इसको या रजिस्टर मार्क करो या ट्रेडमार्क करो। ओके, ट्रेडमार्क हो गया, क्योंकि वो एक बहुत इट इज डन, ट्रेडमार्क हो गया ऑलरेडी। ट्रेडमार्क होने के बाद में ही इसको हमने अनवील किया, तो इट इज टेकन केयर। और सर ऐसा हो सकता है बुक में कुछ आप अगर ज्यादा पेज हो तो 5-10 पेज स्पेशल आरजीबी फैमिली के नंबर्स, मतलब ऐसा कुछ। हां, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हां, सब कुछ हो सकता है, फोटो भी आए, टेस्टिमोनियल, सब कुछ। उसका सामने बोल दिया मिलियंस ऑफ लाइक्स, वो हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। नहीं, दिस बुक वुड रीच मिलियंस ऑफ पीपल, दैट इज अपनी बुक है, अपनी बुक है। यस सर, वो जो कच्च की आपने बात की है, हां, एक्चुअली वो क्यूब कंस्ट्रक्शन है। यस, कई बार जम्मू एंड कश्मीर में उनका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होता है, वो लोग कभी वहाँ पे गए नहीं, ऐसा भी होता है। दूसरे वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर स्टूडेंट नाम से टेंडर्स वगैरह फॉर्मेलिटीज करते हैं, नाम उन्हीं का रहता है, सब कॉन्ट्रैक्ट में काम दिया होता है, यानी टेंडर से ही खुद काम कर लेता है, कभी एजेंसी खुद कर लेती है, सिर्फ उनको उनका कमीशन मिल जाता है, वो भी मैंने सुना है। सी, जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो साहब, उसका रिटर्न बहुत मल्टीपल तरीके से आता है। इंटेंशन वॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट एट दैट टाइम, and today also a lot of things are happening in that front. So any questions, any queries, anything to share quick? Yes, as you are giving this text and some live examples, if you show the videos that inspire us, like Adani Power Group, he is the best leading company now, and he's
getting more and more profit and more respect in this global world. Correct. If you show these videos, that will more attract, that will more focus on the definitely what you yes. want to say and what you want to get, what definitely you want to yes. get in yes. our business. Definitely yes. As I have shown the video of the Adani Power Group, that then only I have given you the example. In that video, whole the process of the Adani Group is shown. It was the awesome video. Next witness, I share it with the group here. Actually, I have seen this video in my friend's mobile. Okay. So I don't have this copy now. Just and see if, you, if it can be brought. Yes, if possible, then I will YouTube get pe it now. YouTube पे उसका टाइटल क्या है यार डेफिनेटली टाइटल क्या है बताइए YouTube पे मिल जाएगा अदानी पावर ग्रुप इतना ही है सिर्फ मुझे पता है अभी तक तो उसके टाइटल में रीनेम किया हो व्हाटएवर अदानी पावर ग्रुप मिलेगा डेफिनेटली YouTube इज द परफेक्ट फर्स्ट वन परफेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस कंपनी ओके ग्रेट एनीथिंग एल्स एनी अदर थिंग टू शेयर यस सर डॉक्टर साहब आपका सपोर्ट करे बोले कि जो ये सब बिना पर्पस के किसी को ऐसे डोनेट ना करे ₹100 कार वाले ने डाल दिया तो लेकिन वो बेगर देखने में अच्छा लग रहा था किसी परिस्थिति बस जो है सो वो बेगिंग कर रहा है तो उसने पूछा कि पहले क्या करते थे तो उसने बताया कि मेरी भी आदतें कुछ पहले आप ही के जैसी थी अमेजिंग आपके जैसा उदार था मैं नहीं उदार नहीं वो कुछ और ही कहना चाहता डॉक्टर साहब से आप दो चार बार मिलोगे तो फिर आपको उनके जोक समझ में आएंगे थोड़ा 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 वाकिफ होना जरूरी है डॉक्टर साहब से आपको ओके गुड लेट अस रियली रियली एक्सप्लोर वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑन हाउ वी कैन एक्सपैंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज एंड कैसे हम होलिस्टिक ग्रोथ को पाएं कैसे हम हैप्पीनेस के साथ ग्रोथ को पाएं और कैसे हम भारत के इकोनॉमी को और मजबूत करें कैसे हम डॉलर का सिचुएशन को उल्टा करें ये करने वाले हम लोग ही है हम लोग अगर रियल में डट जाएं कुछ भी हो सकता है Let's really, really start working towards expanding the horizons. Yeah. Thank you so much. Wish you all the very best. Sir, one query, please. जैसे कि आपने अभी कहा कि रिलायंस कभी चैरिटी नहीं करता है सत्यमेव जयते जो टेलीकास्ट होता था स्टार प्लस पर उसमें ऐसा कहा जाता था कि रिलायंस पावर जितने आप SMS करोगे उससे जितनी कॉस्ट आएगी जितनी हेल्प मिलेगी हमें मनीट्री उसका दो गुना हमें रिलायंस पावर से मिलेगा वॉट एवर द ग्रुप कंपनी है तो ये भी एक टाइप की चैरिटी ही है सर देखो कौन से सेक्टर में वो लोग कर रहे उस पैसे को कौन से सेक्टर एजुकेशन के पीछे एजुकेशन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर दो सेक्टर से जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं बट किसी को फ्री लंच वाला चैरिटी जिंदगी में रिलायंस ने कभी दी किया बिग फार्मेस से आदमी कितना गिरता है इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे उधर एक लंबे मंदिर है हनुमान जी का हर सैटरडे गांव में मैं जाता था रेगुलर तो उधर एक अपंग आदमी उधर बैठा रहता उसको हर शनिवार को 5-10 रुपये जो भी जेब पे छुटा वो डाल देते थे एक बार मैंने सोचा तो उसको मैं उसको उससे बात करूँ उसने किया भी खराब मैंने बात कि तुम 1,000-2,000 रुपये का मैं अगरबत्ती ला के दूँ तुम अपंग है सब तेरे से ही खरीदेंगे तो इधर ला के दे मैं व्यवस्था करूँगा इधर ले जाऊँगा तेरे को शाम को 500 रुपये आराम से मिल जाएगा और सैटरडे को प्रॉपर्टी को नहीं उसने बोला गुजराती भी ऐसा बोला नहीं आज आगे पड़े आप 2002 धंधा लेके बैठ रहे हैं कि आप जितने मुफ्त हो अच्छा हमारे लिए यानी किसी को काम नहीं करना है मेहनत नहीं करना सर इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है
नहीं, वी आर रेस्पॉन्सिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट भी 90 रुपए दे रही है अनएम्प्लॉयमेंट जो तो वोट बैंक है, इसीलिए वहां से लोग काम नहीं कर रहे। अरे सयाजी नगरी वाली जो रेगुलर जो अपडाउन की ट्रेनें है उसमें अंकलेश्वर से पानोली, पानोली से भरूच, भरूच से सूरत तक भिखारी लोग आते हैं, एक घंटा आता है और लोगों को बात पैसा मांगता है, अंकलेश्वर स्टेशन आ जाता है, उतर जाता है, टाइम से बैठिए लिटरली सभी और ये लोग पूरी घेर बॉम्बे जाके पैंट सूट पहन लेता है, ऐसा भी देखा है अपने आप से। साहब दुनिया ऐसी है और रुपया देकर फेंक देता है, रुपया कभी देकर चार आना कस्टमर को फेस टू फेस मिलते हैं, आपको बर्थडे मिलते हैं। हाँ जी ये तो जो लेक्चर हुआ इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी गुड फॉर अस, इसका ये प्रेजेंटेशन का मेन मिल सकता है 100% मिल सकता है, वेरी गुड एंड इंस्पायरिंग 100% मिल सकता है, यस श्योरली। ये ऑनलाइन है ऑलरेडी, हां ये वीडियो इज ऑलरेडी ऑनलाइन, वेबसाइट पे ऑनलाइन है ना, डब्ल्यू जैसा शेयर किया ना कि डॉलर के सामने रुपया कम हो रहा है, तो रिसेंटली बच्चन ने भी डिक्लेयर किया है कि वो जो भी पेमेंट लेंगे डॉलर में लेंगे, क्योंकि वो आज भी फेंक गिरा हुआ पैसा ओके जितने भी नए लोग आज कितने लोग पहली बार आए फैमिली मेंबर, तो आइए सर आपका इंट्रोडक्शन एक बार हो जाए, एक एक जनाइए। मैं नरेश शाह वल्लभ विद्यानगर से आ रहा हूँ, स्टील फाउंड्री है, हमने अभी प्रोग्राम भी अटेंड किया था, हम चार भाई चार भाई और दो बच्चे हमारे, सब दो बने मिल के रिसेंटली अभी चालू है, हमारा दो सेशन हुआ है, लास्ट सेशन अभी पेंडिंग है और काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी थॉट प्रोसेस को धक्का लगाने वाला है, देखते हैं अभी वी आर श्योर कि कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम राजीव शाह, एल्डर ब्रदर ऑफ परेश भाई, पार्टनर ऑफ श्री वल्लभ अला स्टील कास्टिंग वल्लभ विद्यालय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, महेश पटेल, इंटेक इंजीनियर्स, वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर फॉर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड स्पेयर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड रिसेंटली वी हैव जॉइंड द ब्रिटिश प्रोग्राम। सबको नमस्कार मैडम, नमस्कार, मेरा नाम श्याम भाई राजपुरी, माय बिजनेस मेटल ट्रेडिंग हाउस, रिसेंटली अभी राकेश जी से फर्स्ट मीटिंग मिले थे और कंटिन्यूज अभी जारी भी है और अच्छा हमको अनुभव प्राप्त हुआ है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है हमारा, इसके लिए जरूर उनके साथ में और आपके साथ में कंटिन्यूस कॉन्फिडेंस रखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है साजन जेठवानी, आई एम कमिंग फ्रॉम डबोई, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है डबोई में साजन राइस एंड पल्स मिल के नाम से, वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ तुअर दाल एंड राइस एंड ट्रेडिंग इन व्हीट विच वी ओनली क्लीनिंग प्लांट देयर। आइए सर, सर आइए आइए, अगेन वन मोर मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन आई हैव एवर मेट, बहुत बहुत नमस्ते, हूँ डबोई थी आऊँ छू, मारू त्या साजन राइस एंड पल्स मिल राइस अने दाळ ए बन्नेनो उत्पादन करीए छे।
कोई और नए फर्स्ट टाइमर्स? दीपेन भाई। अच्छा हाँ, दीपेन भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, दिस इज दीपेन शाह, बिलोंगिंग टू एड वैल्यू एंटरप्राइजेस। वी हैव एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्किंग फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड इन बड़ौदा। थैंक यू वेरी मच। एक फैमिली मेंबर है मनीष भाई, तो प्रेस्टाइन उनका कंपनी, तो उनके मदर का परसों सुबह निधन हो गया, तो उनके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखते हैं। काफी टाइम से बीमार थे, ऑलमोस्ट सेवरल इयर्स शी वाज अंडरगोइंग डायलिसिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड लेट अस रियली 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर हर। सो नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। सो ये वीक में जिनका भी बर्थडे था और बर्थडे हैं, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट समीर पंड्या जी, 2 जुलाई का इनका बर्थडे था। आज बर्थडे है सुजल भाई का, प्रकाश भाई दोषी का आज है, दोषी केमिकल वाले, पंकज भी पटेल गैप कॉर्पोरेशन 5 तारीख को है, और अपना हीरो अल्पेश कानूगो जी 8 तारीख को है। सब नाश्ता करके जाना। चलिए पहले गाना Happy birthday to you, happy birthday
ये साल रियल में बहुत अच्छा रहे सबके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। चलो ऐसे करते हैं।